वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम फिन निफ्टी में सोमवार के दिन ट्रेड ले सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 रिजेक्शन जोन्स निकल के आ रहे हैं और 4 सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं। पहला जो हमारा रिजेक्शन लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 20,455 का, दूसरा रहने वाला है 20,375 का, तीसरा रिजेक्शन जोन रहेगा 20,265 का, हमारा फिर पहला सपोर्ट रहने वाला है 20,170, दूसरा रहने वाला है 20,065 और तीसरा रहने वाला है 20,000, जो कि अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और 20,000 के लेवल को फिन निफ्टी ने बड़ी मुश्किल से और बड़े दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास लेवल रहने वाला है। और उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है 19,900 का। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट सोमवार के दिन 19,900 और 20,000 के लेवल के आसपास भी आना चाहिए। अभी हम चलते हैं हमारे चार्ट पे कि हमें चार्ट क्या बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में तो कुछ अपन बोल नहीं सकते इतना, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रही है। तो पहली जो बढ़िया चीज हमें चार्ट पे दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट ने 20,000 का जो लेवल है उसे बहुत प्यारी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बाइंग साइड में फॉलो थ्रू भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट में एक पॉजिटिव साइड का व्यू लेके चला जा सकता है। और मार्केट ने 20,200 का जो इम्पोर्टेंट रिजेक्शन जोन था इसके ऊपर भी मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी हुई है, तो सोमवार के लिए फिन निफ्टी पॉजिटिव साइड में हम देख सकते हैं, पॉजिटिव साइड का हम कोई फिन निफ्टी में ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक रिजेक्शन जोन भी, एक ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। अभी हम इस ट्रेंड लाइन को लेके बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा फिर नहीं लेगा, हमको यहीं पे इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आएगा सोमवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन उसी दिन हमें देखना पड़ेगा। यदि मार्केट आवर्ली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ से एक डाउनसाइड का ट्रेड भी ले पाएंगे, लेकिन वो हमें उसी दिन पता चलेगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, लेकिन अभी तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बहुत दूर है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो जितने भी हमारे सॉरी जितने भी इस वीडियो में हमने लेवल निकाले हुए हैं ना अपर साइड के, वो सारे 1 आवर टाइम फ्रेम से ही निकाले हुए हैं, जैसे 20,455 का या फिर 20,375 का, ये लेवल हमारे आवरली टाइम फ्रेम से भी ही निकाले गए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और हमारे एनालिसिस को देख लेते हैं कि हमें यदि मार्केट किन किन कंडीशंस में ओपन होना चाहिए और क्या क्या कंडीशंस मार्केट में बननी चाहिए जिससे हम मार्केट में एक ट्रेड ले पाए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी जो कंडीशंस बन रही है मार्केट के लिए वो बन रही है फ्लैट ओपनिंग की कंडीशंस। जैसे हमने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बात की थी ना, हमें बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस तभी ही है जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। सेम कंडीशन हमारी फिन निफ्टी में भी बन रही है, हमें फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी कंडीशन में होने वाला है जब यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। और यदि आपने अभी तक बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं और निफ्टी एनालिसिस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखो हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होने वाला है वो फ्लैट ओपनिंग पे होने वाला है, और फ्लैट ओपनिंग के भी हमारे दो लेवल है, वो है हमारे 20,170 और 20,270। मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ही ओपन होना चाहिए, 20,170 से 20,270, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं बोल रहा हूँ मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मार्केट 20,270 के लेवल को ब्रेक करे या फिर मार्केट 20,170 के लेवल को ब्रेक करे, दोनों कंडीशंस में हमें पोजिशन बनानी है। यदि मार्केट 20,170 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम पुट बाइंग की पोजिशन बनाने वाले, जिसका जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो मिनिमम 100 पॉइंट का हम लेके चलेंगे, और हम यहाँ पे हमारी 100% क्वांटिटी यूज करने वाले हैं, ठीक है। 100% क्वांटिटी हम यूज करेंगे और हम यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। और वहीं पे यदि मार्केट हमारा 20,270 के लेवल को ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, इसी रेंज में ओपन होने के बाद, तो भी हम यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे, और जिसमें हम हमारी 100% क्वांटिटी यूज लेंगे। 100 पॉइंट के लिए ट्रेड लिया जाएगा और 100% क्वांटिटी यूज ली जाएगी यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 20,170 या फिर 20,270 के लेवल को ब्रेक करता है। ये दो ही ट्रेड हैं अपने पास मंगलवार के दिन फिन निफ्टी में। यदि ये कंडीशन बन जाती है ना मार्केट में, तो मार्केट आपको सोमवार के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके अलावा देखो दो कंडीशन बनती है हमारी गैप अप और गैप डाउन की। यदि मार्केट फर्स्ट जैसे ही ओपन होता है गैप अप ओपन हो जाता है फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कब ट्रेड ले सकते हैं और
कैसे ट्रेड लेंगे और कितनी पोजीशन साइजिंग से हमें ट्रेड लेना चाहिए और कितनी हम टारगेट लेके चलेंगे, इसकी अभी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इनको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अभी हम बात करते हैं यदि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन कितना ओपन हो जाता है, मार्केट यदि 20,170 से नीचे ओपन हो, यदि फिर निफ्टी 20,170 के लेवल से नीचे ओपन हो रही है और फिर 20,210 के लेवल को ब्रेक करती है, यदि मार्केट यदि फिर निफ्टी 20,170 के लेवल से नीचे मतलब करंट पोजीशन से 30 से 40 पॉइंट का गैप डाउन ओपन करती है, क्या गैप डाउन ओपन करती है और 20,210 के लेवल को यदि फिर निफ्टी ब्रेक करती है तो इस कंडीशन में हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। ये थी हमारी गैप डाउन की कंडीशन। उसके बाद यदि हम यहाँ पे हमारी गैप अप की कंडीशन की बात करें, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और किस कंडीशन में गैप अप ओपन हो जाता है, यदि मार्केट 50 से 60 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है मतलब 20,260 के लेवल के ऊपर यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और उसके बाद यदि मार्केट हमारा 20,250 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, इस लेवल का यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है, क्या कंडीशन बन रही है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है 20,260 के लेवल के ऊपर और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 20,250 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पुट बाइंग की पोजिशन में जा सकते हैं, जिसका माना जो पहला टारगेट होगा वो हम 20,200, दूसरा टारगेट 20,170 का लेके चल सकते हैं। ये थी हमारे चार ट्रेड, जो फिनिफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो चार ही ट्रेड है, वो या तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 20,250 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,210 के लेवल को ब्रेक करे, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 20,170 या फिर 20,270 के लेवल को ब्रेक करे। तो इन्हीं चार कंडीशंस में हम फिनिफ्टी में सोमवार के दिन ट्रेड लेने वाले हैं, और दो ट्रेड जो हमारा 20,270 और 20,170 का जो ट्रेड होने वाला है उसमें हम हमारी 100% पोजिशन साइजिंग के साथ 100% ट्रेड लेंगे। तो यही थे हमारे सोमवार के दिन के लिए फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल। और यदि आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन से जाके आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना।